हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिक्स क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 और इसका नाम है न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। इसमें हम लोग नए नए इंडिया के जो एम्पायर्स थे उनके बारे में जानने वाले हैं और कई किंगडम्स जो हैं उनके बारे में भी जानने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसा कि इस वीडियो में हम लोग बहुत बड़े बड़े जो ग्रेट किंग्स हैं जिन्होंने पूरे इंडिया में अपने एम्पायर को फैला लिया था उनके बारे में और उनकी किस तरह से कौन सी नीतियां रही, उनका एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार का रहा, वो सारा हम लोग देखने वाले हैं। तो ये वीडियो इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप लोग बिना किसी देरी के अब इसको स्टार्ट करें। सबसे पहले इसमें बताया गया है अरविंद नाम का एक लड़का है, वो स्कूल में एक प्ले कर रहा है और वो एक राजा की तरह बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है, अपनी मूंछों पे ताव लगाते हुए, और उसके हाथ में एक तलवार है और बहुत ही रोब के साथ वो चल रहा है। उसे इमेजिन करना है जैसे कि वो बहुत ही शानदार राजा है, वो बैठा हुआ है, उसे वीणा प्ले करनी है और एक पोइट्री को सुनाना है। इसका मतलब एक ऐसा राजा जो म्यूजिशियन भी रहा होगा। क्या आपको कुछ इससे आइडिया लगा कि हम किस राजा की बात कर रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप लोगों ने सही सोचा है, हम लोग बात कर रहे हैं समुद्रगुप्ता की। चलो, अरविंद जिसकी एक्टिंग कर रहा था वो एक्टिंग कर रहा था समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता जो है वो एक बहुत ही फेमस रूलर है जो कि गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करता है। यहाँ पे समुद्रगुप्ता के बारे में अगर हम लोग जानकारी की बात करें तो उनके जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनसे हमें जानकारी मिलती है, जो कि इलाहाबाद में अशोक के जो पिलर्स हैं वहां पे हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, इंस्क्रिप्शंस का मतलब होता है पुराने जमाने के जो पिलर्स हमें मिले हैं या स्टोन हमें मिले हैं जिन पे कुछ लिखा हुआ है, उसको हम लोग इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। समुद्रगुप्ता के बारे में जो लिखा गया है वो हरिसेना के द्वारा एक काव्य के रूप में लिखा गया है। हरिसेना एक पोइट था जो समुद्रगुप्ता के यहाँ पे मिनिस्टर था। ये इंस्क्रिप्शन जो है वो विशेष प्रकार से जाना जाता है क्योंकि ये प्रशस्ति है। प्रशस्ति एक संस्कृत वर्ड है और इसका मतलब है किसी भी व्यक्ति की प्रशंसा करना, तारीफ करना। तो प्रशस्ति जो थी उस समय में बहुत सारे जो रूलर्स हैं उनके बारे में उनकी विशेष बातों को, उनकी विशेष क्वालिटीज को बताया करती थी। प्रशस्ति जो है वो हमारे यहाँ पे बहुत सारे रूलर्स के बारे में हमें जानकारी देती है। जैसे कि चैप्टर नंबर 9 में आपने देखा कि गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी है बहुत अधिक फेमस हो गए थे। समुद्रगुप्ता की प्रशस्ति की अगर हम लोग बात करें तो इस प्रशस्ति में उनके बारे में तारीफ से भरे हुए काफी शब्द हमें देखने को मिलते हैं। उन्हें एक बहुत बड़ा वॉरियर, एक ऐसा योद्धा जिन्होंने बहुत सारे युद्ध को जीता हो, बहुत विद्वान व्यक्ति और बहुत अच्छा कवि और बहुत अच्छा वीणा वादक जो है, और जिन्हें भगवान का दर्जा लोगों ने दिया था, इस प्रशस्ति में इस तरह से बताया गया है। और ये जो प्रशस्ति है उसमें जो लाइनिंग जो वर्ड्स काम में लिए गए हैं वो इस प्रकार से है, समुद्रगुप्ता द वॉरियर, जिनकी बॉडी है वो बहुत अट्रैक्टिव है और यहाँ पे उनके बॉडी पे हंड्रेड्स के संख्या में घाव है, वो अलग अलग लड़ाइयों में लड़ने के कारण से हो चुके हैं, जो कि बहुत सुंदर, बहुत महान, बहुत जबरदस्त योद्धा रहे हैं। दोस्तों, समुद्रगुप्ता के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने 100 से अधिक युद्ध लड़े थे और लगभग सभी में उन्होंने जीत हासिल की थी। इसका मतलब समुद्रगुप्ता जो थे गुप्ता डायनेस्टी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूलर रहे हैं। पेज नंबर 105 पे जो मैप है उसको देखते हैं तो उसमें आपको कुछ एरियाज दिखाई देंगे। अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे आप लोग ग्रीन शेडेड कुछ एरियाज दिखाई देंगे, कुछ रेड डॉट्स दिखाई देंगे ईस्ट कोस्ट के पास में, और कुछ पर्पल और ब्लू में भी आपको दिखाई देंगे। तो ये जो अलग अलग तरह के जो कलर है उनसे हम लोग क्या जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। ये मैप जो है वो हमारा वास्तव में जो प्रशस्तीज है उनसे इंफॉर्मेशन लेके दिया हुआ है। हरि सेना ने उस समय पे अलग अलग प्रकार के 4 रूलर्स के बारे में बताया है और ये भी बताया है कि समुद्रगुप्ता की उनके खिलाफ किस प्रकार की पॉलिसीज रही थी। यहाँ पे आप 2 जो कॉइन्स हैं वो देख सकते हैं और इसके अंदर समुद्रगुप्ता को दिखाया गया है और एक में उनको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। पहली पॉलिसी की अगर बात करें तो आर्यवर्त के जो रूलर्स थे जिनको कि ग्रीन शेड के अंदर दिखाया गया है, तो आर्यवर्त के 9 रूलर्स थे जिन्हें पूरी तरह से वहां से उखाड़ दिया गया और उनका जो किंगडम था उसको समुद्रगुप्ता के एम्पायर का हिस्सा बना लिया गया।
तो यहाँ पे ग्रीन शेड में जो एरियाज हैं वो उनको आप आसानी से देख सकते हैं। ये आपको ग्रीन शेड में एरियाज दिखाई दे रहे हैं, वो सारे जो हैं उन्होंने उनको कंट्रोल में ले लिया था। दूसरी बात करें तो रूलर्स ऑफ दक्षिण पथा, दक्षिण पथा का मतलब हो गया साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में लगभग 12 रूलर्स थे जिनकी कैपिटल्स हैं उनको रेड डॉट से मार्क किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको रेड डॉट है वो दिखाई दे रहे हैं। तो इन रेड डॉट वाले जो एरियाज हैं वो साउथ के एरियाज थे, और यहाँ के किंग्स जो थे उनको समुद्रगुप्ता ने सरेंडर करवा लिया था, और उनको हराने के बाद में उन्हें अलाउ कर दिया कि आप लोग रूल कर सकते हैं। इसका मतलब उन्होंने अपने आप को समुद्रगुप्ता के सामने सरेंडर कर लिया था। फिर अगर इनर सर्किल की बात करें नेबरिंग स्टेट्स में, तो आसाम, कोस्टल बंगाल, नेपाल और भी कई गणा संघात जो हैं वो जो कि नॉर्थ वेस्ट में है, उनको मैप में पर्पल कलर से दिखाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं पर्पल कलर से बहुत सारा एरिया यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ये जो एरियाज हैं वो ऐसे लोग थे जो समुद्रगुप्ता को ट्रिब्यूट दिया करते थे, उनके ऑर्डर को फॉलो किया करते थे और उनके कोर्ट को भी अटेंड किया करते थे। उसके बाद में अंतिम की बात करें तो अंतिम में कुछ आउटलेइंग एरियाज के रूलर्स हैं, ये आप देख सकते हैं। इसी के साथ साथ में आप इस तरफ ही देख सकते हैं, ये जो एरिया है उसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुसानाद, सकास आदि के डिसेंडेंट्स थे और श्रीलंका के रूलर्स थे जिन्होंने अपने आप को समुद्रगुप्ता के सामने झुका लिया था, सबमिट कर दिया था, और उन्होंने मैरिज में अपनी डॉटर्स जो है वो समुद्रगुप्ता को ऑफर कर दी थी। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि समुद्रगुप्ता कितने महान रूलर हुए हैं जिन्होंने ना केवल इंडिया, इंडिया के आसपास के एरियाज में भी अपना दबदबा या अपना एम्पायर को फैला लिया था। विक्रम संवत की यहाँ पे शुरुआत कैसे हुई इसको हम लोग जानने वाले हैं। दोस्तों 58 BC में एक नए एरा की शुरुआत हुई, और इसे शुरुआत करने का जो श्रेय है वो जाता है गुप्ता किंग चंद्रगुप्त सेकंड को। और इसकी शुरुआत इसलिए की गई थी कि उन्होंने सकास पे अपनी विजय प्राप्त कर ली थी, और इसी के कारण से उन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल वो है प्राप्त कर लिया था, और इसी के साथ साथ में उन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की थी। अब इनके जनरोलॉजीज के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। अधिकतम जो प्रशस्ति हमें देखने को मिलती है उनमें रूलर्स के एंसेस्टर्स हैं, जो पूर्वज हैं उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। इनमें से समुद्रगुप्ता के जो ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंडफादर हैं, फादर और मदर हैं, उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। उनकी मदर की अगर हम लोग बात करें तो उनका नाम कुमार देवी था, जो लिच्छवी गणा से संबंध रखती थी, उनकी पुत्री थी। चंद्रगुप्त जो हैं फर्स्ट रूलर हैं जिन्होंने गुप्ता डायनेस्टी के अंदर बहुत बड़ा टाइटल है वो प्राप्त किया था, और जिसे कहते हैं महाराजाधिराज। इसी टाइटल को समुद्रगुप्त भी काम में लिया करते थे। उनके ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर हैं उन्होंने केवल महाराजा कहा जाता था, लेकिन यहाँ पे समुद्रगुप्ता ने और चंद्रगुप्ता ने महाराजा धीराज की उपाधि जो है वो धारण की थी, उनका टाइटल धारण किया था। ऐसे लगता है कि धीरे धीरे जो फैमिली है वो काफी इंपॉर्टेंट होती गई थी, इसीलिए ये महाराजा से महाराजा धीराज जो है वो बन गए थे। समुद्रगुप्ता के परिवार की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें चंद्रगुप्त सेकंड जो है, जो कि उनका पुत्र रहा, उनके बारे में भी हमें काफी सुनने को मिलता है। उनके बारे में हम लोग उनके इंस्क्रिप्शंस और कॉइन से जानकारी लेते हैं। उन्होंने अपने युद्ध अभियान जो है वो वेस्टर्न इंडिया पे चलाए थे, जहाँ पे उन्होंने सकास पे विजय प्राप्त की थी, और उसके बाद में ये भी माना गया कि उनकी कोर्ट में बहुत अधिक लर्नेड पीपल यानी विद्वान लोग जो है वो रहा करते थे, जिनके बारे में हम लोग 11th चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये गुप्ता डायनेस्टी जो है उसके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य और समुद्रगुप्ता और भी अन्य बहुत इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, उनके बारे में हम धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं। हर्षवर्धना और हर्षचरिता, जिस प्रकार से हमने गुप्ता रूलर्स के बारे में इंस्क्रिप्शंस और कॉइन से जानकारी ली है, इसी प्रकार से कई अन्य राजा ऐसे हैं जिनकी बायोग्राफी से हम जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि हर्षवर्धना। हर्षवर्धना एक ऐसे राजा हैं जो लगभग 1400 ईयर्स पहले के रूलर हैं। उनके फेमस कोर्ट पोइट थे बाणभट्टा। उन्होंने उनकी बायोग्राफी हर्षचरिता जो कि संस्कृत में लिखी थी। इस बायोग्राफी में हर्ष के बारे में हमें बहुत कुछ जानकारी मिलती है,
कि कब वो राजा बने थे, और हमें इससे ये भी जानकारी मिलती है कि उनके समय में जुआन जेंग, जिन्हें ह्वेनसांग भी कहा जाता है, वो यहाँ आए थे। उन्होंने हर्ष के कोर्ट में काफ़ी समय बिताया था और उनके कोर्ट से जुड़ी हुई या उनके राज्य से जुड़ी हुई बहुत सारी बातों का उन्होंने विवरण किया है, जिससे उनके समय में होने वाली इम्पोर्टेंट चीज़ों का हमें पता लगता है। हर्ष जो है अपने पिता के सबसे बड़े पुत्र नहीं थे, लेकिन वो थानेसर के राजा बने अपने पिता और अपने बड़े भाई की मृत्यु के बाद में। उनके ब्रदर इन लॉ जो थे वो कन्नौज के रूलर थे, लेकिन बंगाल के रूलर ने एक षड्यंत्र में उनको मार दिया था। तो हर्ष ने क्या किया, कन्नौज का जो किंगडम है उसको भी अपनी आर्मी में मिला लिया और उसके बाद में उन्होंने बंगाल के रूलर के खिलाफ एक अभियान चलाया था। हालांकि वो ईस्ट में काफ़ी सक्सेसफुल रहे और उन्होंने मगध और बंगाल को जीत लिया था, लेकिन अन्य इलाकों में वो इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। नर्मदा के उन्होंने क्रॉस करने का प्रयास किया और डेक्कन में वो चले गए, लेकिन वहाँ पे चालुक्य डायनेस्टी के पुलकेशिन सेकंड जो थे उनके द्वारा उन्हें रोक लिया गया था। हम साउथ इंडिया के कुछ इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं पल्लवाज चालुक्याज, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। पल्लवाज और चालुक्य जो थे वो साउथ इंडिया में इस समय राज करने वाले इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज थे। पल्लवाज की अगर हम लोग बात करें तो पल्लवाज को आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। पल्लवाज का जो किंगडम है वो उनकी कैपिटल कांचीपुरम से कावेरी डेल्टा तक फैला हुआ था, जबकि चालुक्याज की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे आप आसानी से चालुक्याज को भी देख सकते हैं। चालुक्याज जो है उन्होंने रायचूर दोआब, जो कि कृष्णा रिवर और तुंगभद्रा रिवर के बीच में है, वहाँ पे अपना इलाका फैला रखा था। आईहोल जो है वो चालुक्याज की कैपिटल थी, वो एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था। इसे एक रिलीजियस सेंटर के रूप में डेवलप किया गया, जहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं। पल्लवाज और चालुक्यास में अक्सर एक दूसरे को जीतने की होड़ रहा करती थी और अक्सर ये एक दूसरे पे आक्रमण किया करते थे। कई बार उन्होंने एक दूसरे की कैपिटल सिटी पे अटैक किया था, क्योंकि उनकी जो कैपिटल सिटी जो थी वो बहुत ही पैसे वाली और समृद्ध थी, उनमें बहुत अधिक प्रॉपर्टी उन्हें देखने को मिलती थी। चालुक्य के जो सबसे फेमस रूलर हुए हैं वो है पुलकेशिन सेकंड। उनकी प्रशस्ति से हम उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं, जो कि उनके पोइट रवि कीर्ति के द्वारा लिखी गई थी। इस प्रशस्ति से हम उनकी चार पीढ़ियों के बारे में जानकारी ले सकते हैं और हम लोग ये भी जान सकते हैं किस प्रकार से पुलकेशिन को संयोग से अपने अंकल से ये किंगडम मिला था। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने वेस्ट और ईस्ट को दोनों तरफ अपने युद्ध अभियान या विजय अभियान चलाए थे और हर्ष का जो एडवांस था, हर्ष जिस तरह से इंडिया के साउथ में बढ़ रहा था, उनको भी उन्होंने रोक लिया था। और इसी के लिए एक पोएम में लिखा गया है कि हर्ष का मतलब खुशी होता है, लेकिन यहाँ पे पुलकेशिन सेकंड ने हर्ष को हरा दिया और हर्ष में जो है खुशी नहीं रही थी। पुलकेशिन ने एक पल्लवा किंग पे भी अटैक किया था, जिसने कांचीपुरम के दीवारों के पीछे छिपके अपनी जान बचाई थी, लेकिन ये जो चालुक्यास की विक्ट्री जो थी वो थोड़े समय के लिए ही रही। उसके बाद में पल्लवाज और चालुक्यास जो है उन्होंने नए रूलर्स जो कि राष्ट्रकुता और चोला डायनेस्टी के थे उनके लिए जगह बना दी थी। इसका मतलब आने वाले जो ये रूलर्स थे वो इतने पावरफुल नहीं थे, इसी कारण से राष्ट्रकुता और चोला डायनेस्टी है वो यहाँ पे और अधिक पावरफुल हो गई थी। इन किंगडम्स में एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किस प्रकार से चलता था, जैसे कि आप लोगों ने पहले के राजाओं के बारे में जाना है, यहाँ पे लैंड रेवेन्यू है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहा करती थी और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की जो बेसिक यूनिट है वो विलेज रहा करती। कुछ नए डेवलपमेंट्स भी इसके साथ साथ में हुआ करते थे और राजा को सपोर्ट करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट रूलर्स हुआ करते थे जो बहुत अधिक पावरफुल हुआ करते थे, चाहे इकोनॉमिकली हो या सोशली हो या उनके पास में पॉलिटिकली या मिलिट्री स्ट्रेंथ हो। उदाहरण के रूप में अगर हम लोग बात करते हैं तो कुछ इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो थी वो हेरिडेटरी थी। इसका मतलब राजा अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनको ये पोस्ट दिया करते थे, जैसे कि पोइट हरिसेना जो है वो महादंडा नायिका थे या चीफ जुडिशियल ऑफिसर थे अपने पिता की तरह। कई बार ऐसा भी होता था एक व्यक्ति को एक से अधिक ऑफिस दिए जाते थे, जैसे कि हरिसेना जो है वो महादंडा नायक के साथ साथ में कुमार अमात्या भी थे। इसका मतलब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनिस्टर। इसी के साथ साथ में वो संधि विग्रह का भी थे,
जो कि वार और पीस के समय में बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर पोस्ट हुआ करती थी। कुछ लोग ऐसे इंपॉर्टेंट हुआ करते थे जिनका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बड़ा हाथ हुआ करता था। उनमें नगर सृष्टि या चीफ बैंकर या सिटी के मर्चेंट हुआ करते थे, जिन्हें सातवाहन या मर्चेंट कारवांस का लीडर कहा जाता था। उन्हें प्रथमा कुली का या मुख्य क्राफ्टमैन कहा जाता था, जो कि कायस्थ और स्क्राइब्स के हेड हुआ करते थे। ये पॉलिसीज काफी प्रभावशाली थी, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट और पावरफुल पर्सन्स थे, जैसे ही इनको मौका मिला, वो इतने अधिक पावरफुल हो गए कि उन्होंने अपने लिए इंडिपेंडेंट किंगडम्स बना लिए। उस समय एक नई प्रकार की आर्मी हमें देखने को मिली, पहले की रूलर्स की तरह। जैसे कि उस समय रूलर्स जो थे बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी रखा करते थे, जिसमें एलिफेंट्स, चेरियट्स, कैवलरी, फुट सोल्जर्स ये सारा हुआ करते थे। एलिफेंट्स आप लोग जानते हैं हाथी, चेरियट्स में रथ होते हैं, कैवलरी में घुड़सवार होते हैं, फुट सोल्जर्स में पैदल सैनिक होते हैं। तो और भी इनके साथ में मिलिट्री लीडर्स हुआ करते थे, जो राजा को अपने ट्रुप्स प्रोवाइड करते थे जब भी राजा को आवश्यकता होती थी। उन्हें रेगुलर सैलरीज नहीं मिलती थी, उनके बदले में उन्हें जमीन मिला करती थी। वो जो जमीन हुआ करती थी उससे वो रेवेन्यू इकट्ठा किया करते थे और अपने सोल्जर्स को मेंटेन किया करते थे, हॉर्सेस को या वारफेयर में जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनको वो प्रोवाइड करवाया करते थे। ये लोग जो कि आर्मी के हेड हुआ करते थे, इन लोगों के हेड हुआ करते थे जो राजा को आर्मी सप्लाई किया करते थे, उन्हें सामंताज कहा जाता। और जब भी कभी रूलर कमजोर हुआ करता था तो सामंत लोग हैं वो भी इंडिपेंडेंट होने का प्रयास किया करते थे। सदर्न किंगडम्स में असेंबलीज का उस समय बहुत अधिक चलन था। पल्लवाज की जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनमें बहुत सारी लोकल असेंबलीज का विवरण हमें देखने को मिलता है। इसमें सभा, जो कि ब्राह्मण लैंड ओनर्स की एक असेंबली थी, इन असेंबलीज में कुछ सब कमिटीज थी जिनका काम इरिगेशन को, एग्रीकल्चर ऑपरेशंस को, रोड्स को और लोकल टेंपल्स आदि के काम को देखभाल करने का होता था। उर नाम की एक विलेज असेंबली हुआ करती थी, वो ऐसे लोगों की हुआ करती थी जहाँ पे लैंड ओनर्स ब्राह्मिन्स नहीं हो, उनके अलावा कोई अन्य व्यक्ति हो। उसी समय पे नगरम नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन मर्चेंट्स की हमें देखने को मिलती है। शायद उस समय ऐसा रहा होगा कि ये असेंबली जो है वो रिच और पावरफुल लैंड ओनर्स और मर्चेंट्स के द्वारा कंट्रोल की जाती थी, और इनमें से कई असेंबलीज ऐसी थी जो कई सेंचुरीज तक चलती रही थी। इस समय किंगडम में कुछ ऑर्डिनरी पीपल भी थे, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। उस समय का जो लिटरेचर हम लोग देखते हैं तो उस समय के लिटरेचर से हमें ऑर्डिनरी पीपल के बारे में भी जानकारी मिलती है। कालिदास, जो कि अपने प्लेज के लिए बहुत अधिक फेमस हैं, वो राजा के बहुत बड़े दरबारी थे। इन प्लेज में एक मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर ये बताया गया है कि राजा और अन्य ब्राह्मण जो है वो संस्कृत बोला करते थे, जबकि अन्य वुमेन और मैन प्राकृत भाषा का प्रयोग किया करते थे। कालिदास का एक फेमस प्ले है अभिज्ञान शकुंतलम, वो एक ऐसी कहानी है जो राजा दुष्यंत और एक यंग वुमेन जिसका नाम शकुंतला है उसकी प्रेम कहानी है। उसका एक इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसमें बेचारा एक मछुआरा जो है उसकी दुर्दशा के बारे में यहाँ पे विवरण किया गया है। एक मछुआरे को एक बहुत कीमती रिंग मिलती है जो राजा ने शकुंतला को दी थी, लेकिन वो संयोग से पानी में गिर गई थी और एक मछली के द्वारा निगल ली गई थी। जब मछुआरा इस रिंग को लेके राजा के पास जाता है तो गेटमैन जो है वो उस पर चोरी का आरोप लगाता है, और चीफ पुलिस ऑफिसर भी उसके साथ में बहुत ही रूड व्यवहार करता है। लेकिन राजा जब उस अंगूठी को देखता है तो राजा बहुत अधिक प्रसन्न होता है और उसको मछुआरे को इनाम देता है। और पुलिस ऑफिसर और गेटमैन है वो सोचते हैं कि हम भी इस इनाम में से कुछ शेयर ले लें। वो इसी फिशरमैन के साथ में ड्रिंक करने के लिए चले जाते हैं। जैसा कि आपको बताया गया कि उस समय पे एक चाइनीज यात्री जो है वो आए थे जिनका नाम है फाइयान। उन्होंने उस समय पे कुछ लोग जिन्हें अनटचेबल्स कहा जाता था उनकी दुर्दशा के बारे में विवरण किया है। उन्होंने कहा कि कुछ हाई और पावरफुल लोगों ने कुछ लोगों को अनटचेबल्स डिसाइड किया और वो शहर के बाहर रहा करते थे। और पाया ने ऐसा लिखा है कि अगर इस तरह के लोग मार्केट प्लेस में एंटर करते थे तो उनके पास में एक लकड़ी हुआ करती थी जिसको बजाते हुए वो आते थे, जिससे पता लग जाए कि हमसे दूर रहो। लोग जब उनकी आवाज़ को सुनते थे तो
तो उनसे टच नहीं होते थे, उनसे दूर चले जाते थे अपने आप को साफ करते हुए। बाणभट्टा ने जो हर्षचरित्र लिखा है उसमें भी राजा की आर्मी के बारे में इसी प्रकार का विवरण दिया है कि राजा की आर्मी जो है वो बहुत अधिक विशाल हुआ करती थी और जब भी युद्ध के लिए जाया करती थी तो बहुत ही भयानक मूड में हुआ करती थी। राजा की आर्मी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। राजा की जो सेना होती थी उसके अंदर बहुत अधिक इक्विपमेंट्स हुआ करते थे। वेपन्स के साथ साथ में पोर्ट्स, पेंस, फर्नीचर, गोल्डन फुटस्टूल्स, फूड और उसमें जैसे गोट, डियर, रैबिट, वेजिटेबल, स्पाइसेस, ये जो सारी चीज़ें हैं वो कार्ट्स पे या पैक एनिमल्स पे, कैमल्स पे, एलिफेंट्स पे साथ में लेके जाई जाती थी। आर्मी जो थी वो बहुत बड़ी संख्या में एक साथ में चलती थी। उनके साथ में म्यूजिशियंस होते थे जो ड्रम्स को बजाया करते थे और अन्य लोग हॉर्न्स और ट्रम्पेट्स को बजाया करते थे। विलेजर्स जगह जगह पे उनका स्वागत करते थे और इन लोगों को वो कर्ड, गुर, फ्लावर्स और एनिमल्स की फोडर है वो प्रोवाइड करवाया करते थे। वो राजा से मिलने का प्रयास भी करते थे और समय समय पे जब उन्हें मौका मिलता तो अपनी कंप्लेंट्स हैं और अपनी याचिकाएं हैं, अपनी रिक्वेस्ट है, वो राजा के सामने भी रखा करते थे। आर्मी जहाँ जहाँ से गुजरती थी वहाँ वहाँ तबाही मचा देती थी क्योंकि एलिफेंट जो है वो विलेजर्स के हट्स को कुचल देते थे। एलिफेंट्स के आने के कारण से जानवरों में जो अफरा तफरी मचती थी उससे भी गांव वालों का बहुत अधिक नुकसान होता था। तो बाणभट्टा ने कहा था कि राजा की आर्मी जब मूवमेंट पे होती थी तो पूरे दुनिया में तबाही मच जाती थी और चारों तरफ धूल के गुबार उठ जाते थे। दुनिया के एक अन्य कोने में इस समय पे क्या हो रहा था, तो अरब मर्चेंट्स की यहाँ पे बात करें तो अरब मर्चेंट जो है इंडिया और यूरोप के बीच में जो सी ट्रेड हुआ है उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। उस समय अरेबिया बेडोइंस जो है वो एक पेस्टोरल ट्राइब के रूप में रहा करते थे जो कि मुख्यतः कैमल्स पे डिपेंड किया करते थे और इसके अलावा कोई अन्य जानवर है वो डेजर्ट में सरवाइव नहीं कर पाता था। 1400 ईयर्स पहले की बात है, प्रॉफेट मोहम्मद जो है उन्होंने एक नया रिलीजन इस्लाम जो है वो अरेबिया में इंट्रोड्यूस किया था जो कि क्रिश्चियनिटी की तरह था। इस्लाम एक ऐसा रिलीजन था जो अल्लाह के सामने सबको इक्वल और सबको यूनाइटेड रखता था और उनके अनुसार अल्लाह जो है वो सुप्रीम गॉड है। यहाँ पे इस्लाम धर्म की जो सेक्रेट बुक है, पवित्र बुक है कुरान, उससे कुछ लाइंस दी हुई है। मुस्लिम मैन और वुमेन जो कि इस्लाम में बिलीव करते हैं, जो कि सच्चे हैं, जो कि पेशेंट हैं, जो कि कॉन्स्टेंट हैं, जो कि हम्बल हैं, जो कि चैरिटी में बिलीव करते हैं, जो कि फास्ट रखते हैं, जो अपनी पवित्रता को बनाए रखते हैं, जो अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह उन्हें माफ करता है और उन्हें बहुत अधिक पुरस्कार या सम्मान देता है। आने वाले 100 ईयर्स में इस्लाम जो है वो नॉर्थ अफ्रीका, स्पेन, ईरान और इंडिया में फैल गया। अरब सेलर्स जो कि कोस्टल सेटलमेंट्स के साथ में परिचित थे वो धीरे धीरे अपने साथ में नए रिलीजन को यहाँ लेके आने लगे। अरब सोल्जर्स ने सिंध को कंकर कर लिया जो आज पाकिस्तान में है, लगभग 1300 ईयर्स पहले। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। इस सब्जेक्ट के अन्य वीडियोस को देखने के लिए, साथ ही साथ इस क्लास के अन्य सब्जेक्ट को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।